कोई काम हो रहा है बिहार में? इन लोगों को कोई बिहार की चिंता थोड़ी ना, इन लोग तो अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इकलौते घूम रहे हैं और इधर पूरी कैबिनेट को झोंक दिया गया है, और तो हम तो ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, ये लोग किस हद तक जा रहे हैं, हर चीज़ें बोलने वाली नहीं। देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार में आज सबसे बड़ा दिन है, आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद आज पटना आ रहे हैं, उसको लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कुशेश्वर स्थान से पटना आए हैं। आपको बता दूं कि जब उनसे सवाल किया गया कि राजद दोनों सीटों पे किस तरीके के फीडबैक है, तो उनका क्या कहना था पहले सुन लेते हैं। अरे फीडबैक बहुत बढ़िया, और दोनों जगह से हम लोग जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि सभी लोगों का जो है प्यार मिल रहा है, सभी वर्ग सभी जाति सभी धर्म के लोगों का जो है प्यार हम लोगों को मिल रहा है। लोग जो बहुत ही आक्रोश में हैं सरकार से उठ चुके हैं, दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है विधायक दोनों जगह 15-15 साल तक उन्हीं के रहे, केंद्र में उनकी सरकार है, NDA के MP भी हैं, मतलब तारापुर कुशेश्वर स्थान से लेकर के केंद्र तक लगातार उनकी सरकार है, और क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना प्यार आशीर्वाद दिए, क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं। आप कुशेश्वर स्थान चले जाइए, कमर तोड़ महंगाई कहते हैं, वहाँ तो कमर तोड़ सड़क है, आप हालत एकदम जो है बहुत ही क्षेत्र का बुरा हाल है, लोग नाव पर जो है निर्भर करते हैं, हर जगह पानी लगा है, कहीं अस्पताल नहीं, कहीं कोई कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं, कोई मतलब ब्लॉक थाना सब लोग परेशान हो चुके हैं, और दोनों जगह प्रत्याशी को जो है लोग प्यार कर रहे हैं। लालू जी जाने वाले क्या लगता है, खबर मिल रही है कि लालू जाने वाले हैं? हाँ जाएंगे, शाम में आ जाएंगे लालू जी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उन्होंने आज कार्यक्रम है, आप जान रहे हैं सबसे पहले तो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के कृष्ण बाबू जी की हम लोग जो है सामने में हम लोग जो है परबिग्गा जा रहे हैं, परबिग्गा से फिर हम लोग जो है झारखंड का दौरा है, क्योंकि जैसा हमने कहा फिर शाम में हम लौट आएंगे। धुआंधार प्रचार किया जाएगा जेडीयू के, उसे आप सड़क की बात करें उधर कहा जा रहा है कि सड़क है, पूरा कैबिनेट जो है पटना में नहीं नजर आएगा, कोई काम हो रहा है बिहार में? इन लोगों को कोई बिहार की चिंता थोड़ी ना, इन लोग तो अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इकलौते घूम रहे हैं और इधर पूरी कैबिनेट को झोंक दिया गया है, और तो हम तो ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, ये लोग किस हद तक जा रहे हैं, हर चीज़ें बोलने वाली नहीं। तुमने सुना सीधे तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना था कि दोनों सीट राजद जीत रही है, वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि हाँ आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं, और अभी फिलहाल हम झारखंड के लिए निकल रहे हैं, लेकिन शाम तक हम लौट आएंगे, उनकी जो फ्लाइट है वो शाम में है और शाम में वो पटना आएंगे। तो अब देखने वाली बात है, जहां एक तरफ लगातार तेजस्वी यादव का कहना है कि दोनों उपचुनाव राजद जीत रहे हैं, वहीं उनके विरोधी दल का कहना है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन दोनों सीटों पर बाजी मार रहा है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए इतना ही। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।